क्यों पानी वहाँ वो जो हो रहा है ना पुल जो बन रहे हैं उसका पाइलिंग से सबका पाइप टूट कितना दिक्कत एक महीना होगी एक महीना से बेसी हो गया होगा बताइए कब से पानी का दिक्कत पानी कहाँ से ले रहे हैं एक महीना हम पानी बगल से कोई बोरिंग करा रहा अपना बिल उठा के कितना देंगे दो रोज चार रोज देंगे एक महीना परेशानी तो जो है पूछिए मत यहाँ पर किसी तरह जिंदा है लोग पानी के बिना दो चार घर जो है अपना बोरिंग करवा करके किसी तरह जो है वो जो है जिंदा रखे हुआ यहाँ का जनता को। ठंड के मौसम में जहाँ सब लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं वहीं यहाँ पर पानी के लिए संघर्ष जारी है। जिस जगह पे हम है ये है वार्ड 48 का इसाक चक का पासी टोला मोहल्ला। यहाँ लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पानी लेने के लिए लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद है उन्हीं से हम लोग सीधे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ क्यों इतना भीड़ क्यों लगा हुआ यहाँ पर? हम लोग तो दे रहे हैं सर पानी एक महीने से दिक्कत हो रहा है। हम लोग भी कुछ दिन पानी भरे हैं बाहर से और यहाँ पानी की समस्या जब हम सबमर्सिबल कराए तो हम पब्लिक को दे रहे हैं बस्ती वाला लोग को कितना हम संभालेंगे हम तो थोड़े पानी वो जो हो रहा है ना पुल जो बंद रहे हैं उसका पाइलिंग से सबका पाइप टूट गया है कितना दिक्कत एक महीना होगी एक महीना से बेसी हो गया होगा बताइए कब से पानी का दिक्कत पानी कहाँ से ले रहे हैं एक महीना हम पानी बगल से कोई बोरिंग करा रहा अपना बिल उठा के कितना देंगे दो रोज चार रोज देंगे एक महीना देंगे बताइए एक महीना से बेसी हो गया हुआ समस्या यही है कि पानी नहीं मिल रहा है और दूसरा नाली भी साफ नहीं हो रहा है पानी उनी का बहुत दिक्कत है। कैसे दिक्कत हो गया पानी का? दिक्कत यही जो पुल बन रहा है उसी की वजह से पाइप टूट गया है इसीलिए जो है पानी नहीं मिल रहा है। कितना दिन हो गया? दिन हो गया एक महीना हो गया। तो कैसे लोग पानी का पूर्ति कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? यही पे जिसको नया सबमर्सिबल करवाया है तो उसी से दे रहा है थोड़ा बहुत तो उसी से काम चल रहा है। शीतला स्थान चौक से लाते हैं शीतला स्थान चौक से भी नगर निगम का भी कोई नहीं है पानी आता था कुछ दिन बंद कर दिया एक दो गाड़ी आता था अब वो पानी नहीं आ रहा है पानी को एकदम पूरा समस्या मिर्जान से लाना पड़ता है शीतला स्थान चौक से पानी लाना पड़ता है वही लोग तो थोड़ा बहुत देता तो काम थोड़ा बहुत होता है बहुत समस्या हम लोग का पानी का एक महीना दिक्कत है पानी पूरा नतीजा है एकदम खूब परेशानी क्या लेते ढोक बोलो भर लिया डिब्बा क्या लेते ढोकरी के घरों में आदमी रह जाए पूरा नतीजा है एकदम काहे दिक्कत हो गया काहे दिक्कत है देखा ना जब पनीर छोड़ तो सब पाइप तोड़ तोड़ी दल कम थोड़ा पानी नहीं मिल रहा है काम करेंगे यही सब देता है को भाई दो दिन से करे दो दिन से भी हुए है पानी उधर से लोग कहाँ कहाँ से पानी ले पाते हैं बहुत परेशानी पानी का दिक्कत कैसे हो गया पानी का दिक्कत हो गया पानी पाइप फाड़ दिया है हाँ सब फाड़ दिया पाइप जब यही पर जब रोड बना जब पाया दे सब वही ना फाड़ा है बड़का मशीन है हाँ यही फाड़ दिया तब हम लोग को कोई व्यवस्था दिया नहीं अपना काम कर रहा है वो लोग है हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे तो सुविधा के लिए नहीं काम चल रहा है सुविधा सुविधा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे पानी का इसके पहले पानी कहाँ से लाते थे पानी देता था उस वहाँ नगर निगम से जो पानी आता था वही ना आता है उससे काम चलता था हाँ तब सबका चल जाता था अब पूरा बस्ती का काम बंद हो गया सबका बंद हो गया नहीं दिख रहे हैं तो कैसे कहाँ से पानी अभी ला रहे हैं अभी देख रहे हैं ना यहाँ से ढो रहे हैं दूसरे कन से जिसके यहाँ बोरिंग है उससे यहाँ से ले रहे हैं मांग मांग के काम चला रहे हैं अगर पानी इतना बंद कर दिया तो तब तो आर मरण हो जाएगा सबका तो कहीं आप लोग शिकायत नहीं किए जाकर के कहाँ शिकायत करेंगे हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी ठंडा जा रहा हम बीमार आदमी कहाँ जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पानी लोग ले रहे हैं ये कोई सरकारी पानी नहीं है ना ही नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था किया गया है पानी का तो ये जो वार्ड 48 का यह पासी टोला मोहल्ला है बगल में यहाँ पे भोड़ागढ़ पुल पर जो आरओबी का निर्माण हो रहा है उसके कारण निर्माण के चलते जो यहाँ पर पानी का सप्लाई नगर निगम के द्वारा होता था वो पाइप फट गया है और पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है जिस कारण पिछले एक महीने से लोग परेशान हैं और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं जो कि सरकारी पानी पे ही आश्रित थे पिछले एक महीने से पानी की भारी दिक्कत हो गई है भारी किल्लत हो गई है लोग परेशान है पानी के लिए लेकिन अभी जो आप पानी देख रहे हैं ये कोई नगर निगम के द्वारा पानी नहीं दिया गया बल्कि सरकारी पानी यहाँ नहीं है यहाँ पे बल्कि यहाँ पे निजी किसी का बोरिंग कराया हुआ है उन्होंने लोगों की सहायता के लिए पानी दिया हुआ है लेकिन बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा है कि कितनी वो मदद कर पाएंगे ये भी सोचने वाली बात है। अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड 48 के पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल उनसे जानते हैं विस्तार से कि पूरा क्या मामला है बताइए पूरा क्या मामला है। आज एक महीना से जो है पुल निगम का जो है काम चल रहा है इसाचक पासी टोला में
और वो जो है मतलब जो है पहले जो है बुडको का जो पाइपलाइन बिछाया गया था प्रत्येक घर में जो है उसका कनेक्शन जो है कर दिया गया था और उसी पर वो जो है सारा घर जो है जनता जो है निर्भर करता था। सभी घर में पानी जो है स्वच्छ पानी जो है पीने के लिए मिलता था और सब लोग जो है खुशी से उस पानी को जो है यूज करते थे। लेकिन जो है जब से पुल निर्माण जो है मतलब जो है चालू हुआ है तो पुल निर्माण जो है मतलब अपने काम में जो है पाइलिंग करते समय जो है सारे पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसकी सूचना जो है पुल निगम को जो है कई बार दिया गया। पुल निगम बोले कि मैंने जो है बुडको का जो है अमित रंजन से जो है संपर्क किया, वो बोले कि हम ठीक कर देंगे। आज कहते कहते एक महीना होने चला है लेकिन अब तक जो है कोई सुनवाई नहीं बुडको के द्वारा किया गया है और ना ही जो है पुल निगम के द्वारा। फिर कल जो है हम संपर्क साधे KPCL कंपनी से तो KPCL बोले कि हमने जो है बजट बना करके बुडको को दे दिया है, बुडको का काम है अब ठीक करना। बुडको से जब संपर्क किए तो बोले कि हम पुल निगम को जो अपना जो है लेटर दे दिए, जितनी क्षति राशि है हमारी जो है वो पूरा करेंगे तब जो है हम जो है उसको ठीक करेंगे। परेशानी तो जो है पूछिए मत, यहाँ पर किसी तरह जिंदा है लोग पानी के बिना। दो चार घर जो है अपना बोरिंग करवा करके किसी तरह जो है वो जो है जिंदा रखे हुआ यहाँ का जनता को, और वो जो है मतलब कितना पानी देंगे वो भी तो उनका स्मार्ट मीटर लग गया है, इतना महंगा बिजली हो गया है जिसके कारण वो लोग फिर भी जो है समाज में जो एकता बनी रहे उसको लेकर के और समाज का सब लोग खुश रहे वो किसी तरह जो है 10 डब्बा 20 डब्बा 5 डब्बा जिसको जितना जो है ज़रूरत पड़ रहा है सब दे रहे हैं। लेकिन कितना दिन चलेगा, सब निर्भर करता था नगर निगम का पानी के ऊपर, आज जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और न यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो है उस पर कोई पहल कर रहा है। टैंकर से पानी की सप्लाई कोई सप्लाई नहीं है। कई बार जो ये लोग बोले थे एक आध दिन जो है मतलब जो है क्या बोलता है टंकी में जो है पानी आया, एक दो लोग लिया उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई टैंकर नहीं। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है पानी का, तो बिना पानी का जिंदगी कैसे बिताएंगे लोग, एक महीने से परेशान है। ये तो जो है मतलब शर्म की बात है कि मतलब नगर निगम अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक जो है मतलब वो कोई पहल नहीं की है। और जब तक ये लोग जो है मतलब जो है दो चार लोग जो है घर में जो बोरिंग करवाए हैं दे रहे हैं, उसके बाद जो है अगर ये बंद कर देंगे तो पानी की किल्लत के कारण जो है भूखे प्यासे लोग जो है मर जाएंगे, क्या करेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है शहर के बीचों बीच वार्ड 48 में। अभी हम बात करते हैं जो अभी तत्काल इन लोगों के लिए मसीहा बने हुए पानी की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पानी के बिना जीवन मुश्किल है और वार्ड 48 के पासी टोला में पानी एक महीने से नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को पानी दिया है, इनको घर में इनके घर में बोरिंग है, वो लगातार लोगों को पानी दे रहे हैं। बताइए क्या कहना, आप लगातार लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ पानी तो दे रहे हैं लगातार, क्या करें समस्या है तो देना ही होगा। कैसे कर पाइएगा लगातार, बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो पाता है, क्या करेंगे। समाज से बढ़ के तो हमने समाज का सेवा करना मेरा जो धर्म है। लेकिन कितना दिन तक दे पाइएगा। जब तक हमारा ताकत रहेगा तब तक करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो क्या 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 अपील करना चाहते हैं जो जिम्मेदार लोग, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप। अपील करना चाहते हैं जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे लोग बस्ती के लोग मौजूद, उनसे जानते हैं कितना समस्या हो रहा है पानी से। बताइए पानी का तो बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, पानी के लिए तो कहाँ कहाँ जाना पड़ गया है। तो बीच में एक बार सत्यन जी आए तो सबको पानी दिया, और पानी तो बहुत दूर दूर से हम लोग लाए साइकिल में ढो ढो के। जब से पुल बन रहा है तब से एकदम पूरा पानी का पूरी समस्या हो गया है। अगर सत्यन जी पानी नहीं देते तो क्या होता है बस्ती का, तब तो प्यासे रहना पड़ेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। पानी का मेन मुद्दा नगर निगम के अंदर आता है, हम बात करेंगे नगर निगम की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है पानी उपलब्ध कराने के लिए, क्या सहयोग मिला है अभी तक बताइए। पानी का कोई सहयोग नहीं मिला है नगर निगम की तरफ से, और शिकायत कितना बार पार्षद को, नाली भी जाम हो गया है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है उधर से। पार्षद तक आप लोग समस्या पहुंचाए आप लोग। हाँ 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 पार्षद तक समस्या पहुंचा चुके हैं, जब से ये खराब हुआ है तब से हम लोग शिकायत वहाँ कर चुके हैं, कोई उधर से सोल्यूशन नहीं आया। टैंकर आता है कभी, टैंकर पानी टैंकर आता है 1000 लीटर, कभी कभी आता है एक आध दिन के बाद, एक दिन में आता है 1000 लीटर आता है, और इतना खर्च है। लगभग कितने लोगों के घरों में, कितने लोग परेशान होंगे लगभग यहाँ पर। लगभग 100 से 150 घरों की समस्या है यहाँ पर। बताइएगा पानी के बिना जिंदगी कैसे कट रही है। बहुत किल्लत से जिंदगी जी की, दूसरे के यहाँ से पानी लाना,
पानी ढोना, जिसके घर में अवेलेबल नहीं है आदमी उसका तो और गिंजन है। देखिए आपको दिखाते हैं, एक टोटो इधर से गुजर रहा है जिसमें लोग पानी लेकर के आ रहे हैं, तो पानी का महत्व आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ अपना जो जिनके पास अपना टोटो है वो टोटो से ढो करके ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है और एक एक घर में पांच पांच दस दस बाल्टी लोग पानी लेके जाते हैं, क्योंकि बिना पानी का कोई काम हो नहीं सकता। तो वार्ड 48 के इसाकचक मोहल्ले में पासी टोला में हम लोग हैं, जहाँ की भारी किल्लत हो गई है। पूरा बस्ती गली में समस्या है। कितना दिन हो गया इस समस्या का? काफी दिन हो गया, महीना एक महीना से। कैसे लोग जूझ रहे हैं बिना पानी, कैसे रह रहे हैं लोग? फिर मजबूरी में सबको है, किसी को कोई मदद कर रहा है समाज में। अगर मदद करना बंद कर दे तो क्या होगा? बहुत बुरा हाल हो जाएगा, पानी बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो आप लोग जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं शिकायत किए यहाँ पर? जनप्रतिनिधि कभी आता है यहाँ देखते हैं? कोई नहीं आता, कोई समस्या नहीं सुनता है यहाँ। तो आप लोग जाके शिकायत कर सकते थे उनके पास? शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कोई गया नहीं। अरे वही कोई समस्या वहाँ हल नहीं करती है, वो इधर डिब्बा उधर डिब्बा लेके दौड़ते हैं, कहाँ से लाएंगे हम लोग पानी बताइए? स्कूल कॉलेज का बेटा में घुसने देंगे बताइए गेट के पास? हाँ, उसके चलते बच्चा सब स्कूल नहीं जाते हैं, पानी का सुबह उठते हैं डिब्बा लेके इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, कहाँ जाएंगे पानी लेने? ये वो 10 रोज ही अपना बिजली खर्चा करके देंगे, कब तक देंगे बताइए? आप ही बोलिए। तब पूरा परेशानी, चौक पर से जाके लाते हैं पानी, वहाँ भी बोलता बड़ा सब डिब्बा नहीं भरने के लिए, पानी का कितना काम है? थोड़ा सा है दिक्कत पानी का कि दो चार लीटर से हो जाते थे, छटपटी सुबह उठता है काम छोड़ के पानी लाना पड़ जाता है गार्जियन को कि हम पानी ला के दे तुमको, तो हम काम कक नहीं करेंगे, गार्जियन हम ही वो गुस्साने लगता है कि तुमको पानी देंगे तब खाना बना के देगी तुमको। पहले पानी कहाँ से लाते थे? पानी वहाँ छटपटी पर से लाते थे हम लोग। और जब ये खराब नहीं होता उसके पहले पानी कहाँ से मिलता? पहले चलता था, पहले चल रहा था ब्लू वाला पाइप, पेन इंडिया वाला, कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं कोई दिक्कत, एक घंटा चलता था पानी। मतलब मेन समस्या हो गई, पुल जो बनना स्टार्ट हुआ था भारी दिक्कत, हाँ भारी दिक्कत हो गया। तो आपने देखा है बड़ी समस्या आ गई है, जब से यहाँ पर पुल निर्माण हो रहा है, भोलानाथ आरवी बन रहा है, तब से ये समस्या है, क्योंकि उसके पहले जो पानी था सप्लाई जो कह रही है ब्लू पानी से, ब्लू पाइप से पानी आता था, लोगों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से ये पुल बनना स्टार्ट हुआ तब से चूंकि पानी का जो मेन सप्लाई पानी वो डैमेज हो गया, लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया है, पिछले एक महीना से समस्या है। यहाँ पे बात चल रही है, हमारे हमने पूर्व पार्षद से बात की रामाशीष मंडल से, उन्होंने बताया कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर मामला टाला जा रहा है। जो कंपनी बना रही है पुल का निर्माण कर रही है वो बुडको पे डाल रही है मामला, बुडको पुल कंपनी पे डाल रही है मामला, लेकिन मामला इधर से उधर हो रहा है, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नगर निगम को शिकायत की गई वार्ड पार्षद के माध्यम से, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। और इस बस्ती में हम देख पा रहे हैं बिना पानी का सब कुछ सूना है, और अगर जो अभी पानी का सप्लाई दे रहे हैं जो निजी अपने बोरिंग से पानी का सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पानी का सप्लाई बंद कर देंगे तो यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो हमारी अपील है नगर निगम से, बुडको से, कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र समस्याओं को दूर करें, और ताकि लोगों को जीना सुलभ हो सके, उनको पानी मिल सके और ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो सके। सुबोध के साथ अमित राज, टीवी आंध्र प्रदेश, भागलपुर।